घर से मारुति स्विफ्ट कार क्रमांक 2140,000 रुपए नकदी मेरे भाई विक्की बैंक ऑफ बड़ौदा की चेकबुक व गहने लेकर गई है। हमने ज्वेलरी हैज बीन स्टोलन, ओनली ज्वेलरी, ज्वेलरी हैज बीन स्टोलन, सो हाउ डिड इट रीच द, लेकर चली गई है, स्टोलन वर्ड नहीं है सर कहीं, लेकर चली गई जी, लेकर ले जाके लॉकर में रख दिया क्या? माय व्यू इज वेरी क्लियर, फाउंडर केस विल नॉट बी क्वेश्चन सर, आप प्रश्न ना करें, लेकिन इतना तो देख लें कि दोनों पति पत्नी, छोटा सा 4 साल का बच्चा है सर, दोनों साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, और इन्होंने इनके खिलाफ इतने कंप्लेन फाइल करवा दी सर, वाइफ के खिलाफ, दिस इज द ओनली क्वेश्चन, ठीक है, आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, आप जब जब बोलेंगे आई विल बी अपियर बिफोर द पुलिस थाना, बट टिल देन बच्चे छोटे हैं सर, अरेस्ट ना हो, बस इतना ही इंटेंशन। इसमें आपने केस डायरी बुलाई थी लास्ट टाइम, दिस इज अ मैटर बिटवीन, मैटर इज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ लॉर्डशिप, and the informant is a brother-in-law, I mean they were, lordship. I am reading FIR lordship. मैं उक्त पते पर रहता हूँ, होटल व्यवसाय करता हूँ, मेरे बड़े भाई विक्की जुनेजा की पत्नी को घर से बिना बताए बच्चों के साथ कहीं चली गई है, मैं व हमारा पूरा परिवार उसकी तलाश कर रहा है, तभी मुझे पता चला कि विक्की जुनेजा की पत्नी घर से मारुति स्विफ्ट कार क्रमांक 2140,000 रुपये नकदी मेरे भाई विक्की बैंक ऑफ बड़ौदा की चेकबुक व गहने लेकर गई है। हमने पता किया कि भाई विक्की और बड़ौदा का जवाहर चौक खाता नंबर से 9,20,000 रुपये की निकासी की गई है। हमने बैंक जाकर सीसीटीवी फुटेज देखा तो भाई की पत्नी सीमा जुनेजा राजकुमार तरानी के साथ मिलकर विक्की जुनेजा के खाते से चेक क्रमांक सो ब्लैक भरकर सेल चेक ये निकाल दिए। लॉर्डशिप दिस इज द टोटल एलिगेशन ऑन मी, आई एम अ वाइट लॉर्डशिप। उसके बाद मैं, चूंकि हस्बैंड इज नॉट सो वेल लॉर्डशिप, उसको बहुत दिखाई भी नहीं पड़ता, उनको समझ में भी नहीं आता, हमने एक एप्लीकेशन दी लॉर्डशिप टू दी थाना कि दिस इज ऑल द फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट मी, एंड उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की लॉर्डशिप, देयर फॉर वी हैव टू सेटलमेंट 320 की एप्लीकेशन लॉर्डशिप 320 के आपके यहाँ फाइल की है, एंड दिस एप्लीकेशन वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेड बिफोर द लॉर्डशिप। इन द लास्ट ओकेजन लॉर्डशिप आपका ये था एलिगेशन कि जो ज्वेलरी है, जो उसमें आया है कि ज्वेलरी लेके गई है, दैट ज्वेलरी, बिकॉज हस्बैंड का एफिडेविट है, हस्बैंड कह रहा है वो ना तो वो केस चलाना चाहता है ना वो कुछ करना चाहता है, दोनों साथ रहना चाहते हैं, उसके 3 बच्चे हैं लॉर्डशिप, 2 बच्चियां हैं उसके ट्विंस और 1 बेटा है लॉर्डशिप 4 साल का, हस्बैंड इज ऑल्सो प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट लॉर्डशिप एंड एफिडेविट इज ऑल्सो फाइल्ड लॉर्डशिप। दिस पिटीशन इज बाय राजकुमार? नो लॉर्ड, द सेकंड वन, सेकंड वन, फर्स्ट एक ही तक कुछ तो करना पड़ेगा फर्स्ट का जी जी, राजकुमार इज अनदर एक्यूज इन दिस मैटर, बताओ डिटेल सर। यहां आपका कहना है कि जो ज्वेलरी है दैट इज बिलोंग टू द एसेंशियल प्रॉपर्टी, बट ऐसा कहीं नहीं आया लॉर्डशिप इन द होल केस, इन द होल केस लॉर्डशिप हर जगह यही आया है कि ज्वेलरी लेकर गई है। तो पहले इनका सुने सीमा का, Lordship, in this case, I am for husband, Vicky Juneja, Lordship. I have no objection, Lordship. My Lord, I have objected, my Lord. You are? My Lord, I am the original informant in the case who happens to be the brother of the respondent, the brother-in-law of the applicant. And the complaint was filed at my, I was the one who informed the police, my Lord, if they agree to the compromise, I have no objection. But the fact is, my Lord, my jewelry, which was in the name of me and my mother, the applicant has taken away. And without entering into talks to return that jewelry, my lord, behind my backs, they have entered into a compromise. Secondly, my lord, this compromise is not bona fide because they could have easily stated that I want to compromise. But they have made a statement that this complaint was filed at the behest of me because I had some issues with the applicant. And it was a false complaint, my lord. So that I am apprehending that that will be a further cause for harassment of me and my family because they might use those statements against me. And my lord, if my lord may kindly see that compromise is not bona fide for the fact that throughout the proceedings, my lord, he has stated that I was defrauded, the jewelry and the money was taken from me. He has stated so in his statements before the police. He has filed an application before the consumer forum against the bank, affidavit, and he has won against the bank. Now, and my lord, this is the third, this is the second or the third attempt to achieve the compromise. First MCRC, which was filed, my lord, in which they could not settle it with my brother. And there I was made a party because I was also the victim, my lord. Now, behind my backs, without impleading me the party, they want to snatch away my jewelry and they want to use these statements against me. So,
Yes, my lord. That's why this the case that he was at file, my lord. I have. उसमें से देख सक मैं आप. The allegation is that she left the house and while leaving the house she took the car. Yes, ma'am. And some jewellery. And yes, my lord. And those jewellery, sir. उसमें मैंने अपने पुलिस को statements विकी नहीं इनके जो respondent हैं. He gave an application, gave a list of the jewellery and along with the bills. And the bills are in me and my mother's name, my lord. You are the brother or yes, my husband. Lord. Yes, my brother, brother is the husband. And the fact that she has the jewelry, my lord, is clear from the one MCRC which was filed, in which a statement was made by her that she is willing to enter into compromise in respect of the jewelry that she has stolen. But eventually, that was not allowed, my lord. So they accept the fact that the jewelry is with them. Now they don't want to. They just want to take away. They don't want any orders or investigation in respect of the fact that where is that jewelry. And those bills and the list of jewelry is a part of record, my lord. दिखाइए. आपके पास नहीं? उसे बैंक के लिए. Lordship, may I say something? They are not a joint family venture, Lordship. He after marries, both are living separately. So how could they say that? कि after that, once FIR was registered, there is no doubt about it. कि they have made a complaint. Against husband, but the brother is complaining. Informant, like actually lordship, the basic complaint is the husband. You know, मेरे उसके मेरे brother के द्वारा मुझे बताया गया. Brother is saying मैं कुछ नहीं बता रहा सर. वो read नहीं कर पाता. ऐसे करके read करता उसको दिखता नहीं है कुछ भी. तो इन्होंने एक बार अलग रह रहे हैं lordship. तो jewellery इनकी उनके पास कैसे गई? शादी के बाद से क्या पता है तो है सर. केस डायरी में द लर्नेड से रिलेटेड दे डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स बट माय लॉर्ड आई वाज अप्रिहेंडिंग देम. दैट्स व्हाई आई हैव फाइल्ड फॉर आई हैव ऑब्टेंड अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चालान अगेंस्ट राज तरानी इन व्हिच दैट एप्लीकेशन इज देयर ऑन द बिल्स आर आल्सो देयर बट दे आर सेइंग इट्स नॉट अवेलेबल इन द केस डायरी. इट्स वेरी मे नॉट बी बट इफ द चार्ज शीट हैज बीन फाइल्ड बिफोर द कोर्ट. यस माय लॉर्ड दैट्स व्हाई आई हैव अ सर्टिफाइड कॉपी माय लॉर्ड. और सर वो फाइनल रिपोर्ट में भी आया है आवेदन पत्र मय बिलों के साथ. Now, this is the part of the record of the court. Yes, my lord. So whether it is available in the case diary or exactly. material. Which are details with you. Details nahi ho, sir. Aap bill dekhenge, to they are in the name of Rajendra Kaur, who is my mother, and my name, sir. Shanky Juneja. Some of the bills. That is after FIR lordship, they have produced one application. The respondent, the husband has produced this application. But husband now is sterile, my lord. So that can be appreciated by this court. How he has achieved that compromise with the wife? ये इन्होंने बाद में प्रोड्यूस किया है और ये ज्वेलरी कब की है कहाँ की है बट कोर्ट के रिकॉर्ड में है सर. आफ्टर जैसे अगर जैसे FIR 161 के स्टेटमेंट उसके ब्रदर के स्टेटमेंट सभी में आप देखेंगे कहीं पर ये नहीं लिखा है कि मेरी मदर की ज्वेलरी. लिखा है ज्वेलरी बट इट इज नॉट मेंशन दैट कि दिस इज नॉट बिलोंग टू माय मदर्स ज्वेलरी. ऐसा कहीं नहीं लिखा है. मे बी दैट ज्वेलरी शादी के समय उन्होंने उसको चढ़ाया हो. मे बी दैट मे बी द चांसेस ऑफ दैट. यू हैव नॉट लॉस्ट एनी एफआईआर. वेल आई वाज द इन्फॉर्मेंट. यू कैन फाइल एन इंडिपेंडेंट एफआईआर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ज्वेलरी व्हिच यू से इज योर्स. यस व्हिच हैज बीन स्टोलन. Why can't you? But my lord, I am a victim, my lord. The FIR is already there. It requires to be investigated. And so in this case, your capacity is only of a complainant, informant. No, my lord. I am also a victim because my jewelry is there, my lord. So I cannot take the definition of a victim. Have you said so in the FIR? Was your statement recorded? No, my lord. My statement. In the FIR, did you allege that this jewelry which has been taken away by the wife belongs to you? Well, that is the complaint, and the bills are also there, a part of record. So, वो जो राजेंद्र कौर and my name is there, my lord. शंकी जुनेजा तो मेरे नाम के बिल है तो सर वो मुझे और क्या ले वो तो बिल भी लगे हैं. FIR ये तो होंगे. Purchasing a property in a particular name is one thing. Yes, sir. But then claiming that this continues to be of my ownership, which has been taken away by some third person, that will be a different. Because the investigation was still open, sir. Or they did not appear. They did not. Charge sheet has been filed. Only against the first one who was arrested, my lord. Against Raj Tarani. Raj. Sir. So the investigation is still open. The police can always come in case some things happen, my lord. Lordship, he said that jewelry is in the girvi rakhi locker mein. ऐसा आप बता रहे हैं. Jewelry is not belong with us. इनके तो किसने रखी थी? Father ने रखी थी.
फादर ने रखी थी लेकर चली गई है, स्टोलन वर्ड नहीं है सर कहीं, लेकर चली गई जी, लेकर ले जाके लॉकर में रख दिया क्या? नहीं, ये सर इसमें जो इन्फॉर्मेंट है, एक्चुअली ये दो ब्रदर हैं लॉर्डशिप, दोनों के प्रॉपर्टी का इंटरनल विवाद है, ये कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है, बट दैट इज इंटरनल फैक्टर। अब ये कंप्लेंट किसने लिखाई सर? इन्फॉर्मेंट ने लिखाई, उसने अपने हिसाब से लिखा ली, इनसे साइन लिए होंगे नहीं लिए होंगे मुझे नहीं पता, बट ये लिखा है। As of now, this dispute between husband and wife is concerned, जी सर, let the investigation be completed, let the charge sheet be filed. चार्जशीट तो फाइल हो चुका है लॉर्ड, नहीं सर अगेंस्ट मेरे नहीं हुआ, बिकॉज आई एम दिस थिंग, यस नहीं हुई, ये जो फाइल हुई है जी सर, ये लेकिन इतना तो देख लें कि दोनों पति पत्नी, छोटा सा 4 साल का बच्चा है सर, दोनों साथ रहना चाहते हैं तो रहे ना, तो सर कैसे रहेंगे, करेंगे तो कैसे साथ रह पाएंगे सर, इसीलिए दैट इज नॉट पॉसिबल ना सर, इसीलिए ये आए और इन्होंने ये किया और इन्होंने इनके खिलाफ इतने कंप्लेन फाइल करवा दी सर, वाइफ के खिलाफ, दिस इज द ओनली क्वेश्चन, वी आर रेडी टू पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, देयर इज नो डाउट इफ लॉर्डशिप हैज व्यूज वेरी क्लियर अबाउट दैट, बट माय सबमिशन इज एट लीस्ट कि दोनों रिन्यू दिस पिटीशन आफ्टर फाइलिंग ऑफ द चार्ज शीट, आई विल नॉट फर्स्टली सर, टिल देन एट लीस्ट ठीक है, आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, आप जब जब बोलेंगे आई विल बी अपीयर बिफोर द पुलिस थाना, बट टिल देन बच्चे छोटे हैं सर, अरेस्ट ना हो बस इतना ही इंटेंशन, कोई ऑर्डर नहीं कर रहे तो सर, इतना तो सर आप एंट्री में आपने दिया हुआ है कि नॉट कोर्सिव एक्शन, इतना कर दें सर कि दोनों साथ रह के पार्टिसिपेट करें, नॉट कोर्सिव एक्शन फॉर 15 डेज, बट यू ऑब्टेन बेल विद इन दैट पीरियड, हाँ ऑफ कोर्स सर, वी विल डू दैट, बट 1 मंथ कर दें सर, और ये मीनवाइल ही विल अपीयर बिफोर द पुलिस थाना एंड एक एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट करके, एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए जी सर, इनको भी you also produce whatever you want to before the investigation, certainly sir, certainly your statement will also, because my lord earlier I was relying on my brother on my behalf sir, but isme mera to koi role hi nahi hai sir, mere paas se to kuch mila hi nahi hai, uske baad bhi mere ko charge wali stage pe aa gayi hu sir, mujhe alag se consider karte, you went along with wife of some other person to withdraw amount from the bank, you had absolutely nothing to do but you jumped into it, now face the consequences, you get this petition has been preferred for quashment of the proceedings on ground of the conduct having been arrived at between the parties, next the petitioner and respondent number 2 are husband and wife, so FIR has been lodged by respondent number 2 against the petitioner alleging that she has left the house along with a car and certain jewelry, so it is submitted that the dispute between them has been resolved and now they do not wish to proceed further in the matter, next however an objection has been preferred by kya naam hai uska, Shanky Juneja, Shanky Juneja, to the effect that the jewelry which has been taken by the petitioner belongs to him, so he was the informant initially and is also a victim, so it is further submitted that the investigation is still in progress which has not progressed on only on account of non appearance and non cooperation on part of the petitioner, next from the case diary it is evident that the investigation is still in progress, but the petitioner has till date not subjected herself to the process of the investigation, so thus for the present it would not be appropriate to consider the prayer for quashment of the proceedings, particularly the quashment of the proceedings, it would be appropriate that the petitioner should cooperate in the investigation so that the entire fact situation comes on record, so thereafter only it would be ascertained
whether the dispute between the parties can be terminated on the basis of a compromise between them. And thus, for the present, it is directed that the petitioner shall appear before the investigating officer on 17/9/2024 and shall extend full cooperation in the investigation. So she shall appear before the investigating officer as an interim director. So for a period of 1 month from today, no coercive action shall be taken against the petitioner, during which period she would be at liberty to seek bail from the competent court. So the objector would also have the right to appear before the investigating officer and to get his statement recorded and submit documents, if any, if desired by him. एक लाइन और आ जाता है कि हस्बैंड वाइफ बोथ विल बी वांट टू रिसाइड टुगेदर जाता सर बच्चे छोटे हैं एंड देयर इज सो मच प्रॉब्लम दे हैव क्रिएटेड यू गेट हिम सो दे रिसाइड सर मेरे वाले में भी मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए सर डायरी इनकम्प्लीट है क्या डायरी उसको पूरी डायरी बुलाई देखिए इसके अगेंस्ट क्या है सर मेरे से कुछ भी जब्ती नहीं हुई है साथ सारी तब लगता है बस ये साथ में गया पैसा विड्रॉ सीसीटीवी इसमें 35 में लिखे गए मैंने काउंटर फॉर द रिस्पोंडेंट स्टेट समिट सर द कंप्लीट डायरी हैज नॉट बीन रिसीव्ड एंड प्रेस फॉर टाइम फॉर कॉलिंग द कंप्लीट डायरी लिस्ट नेक्स्ट सर सर इस स्टेज सर नीचे चार्ज के स्टेज पे चल रहा है सर कार्य फ्लैश करते हैं कुछ नहीं पड़ा सर बट तब तक के लिए तो है बेल पे है बट सर वो अननेसेसरी परेशान हो रहा है एक हफ्ते और सर